हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीरू स्टडी में। मैं हूं आपका फ्रेंड आशुतोष, आई एम इंदौर से। एंड फ्रेंड्स, मीरू स्टडी में जैसा कि हम सब जानते हैं, ये है हमारी अपनी कैट 21 ड्रीम आईएम सीरीज़, जिसमें हम 28 नवंबर को होने जा रहे कैट के एग्ज़ाम की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कर रहे हैं। एंड 75 डेज एंड 75 वीडियोज़ में कर रहे हैं कम्प्लीट तैयारी कैट की। फ्रेंड्स, ऑलरेडी हम 50 वीडियोस कल कंप्लीट कर चुके हैं, तो मतलब 2/3 सिलेबस हमने कवर कर लिया है। आज की हमारी वीडियो है क्यूए सेक्शन की। जैसे ये आप स्नैपशॉट देखिए, परसेंटेजेस वीडियो 19, एवरेज वीडियो 27, मतलब ये स्लाइड आपको बता देती है कि किस टॉपिक के लिए किस पर्टिकुलर वीडियो को हमें रेफर करना है। आज हम करेंगे अपना अगला टॉपिक जो है सर्ड्स एंड इंडिसेस। तो जो 29 वीडियोस है उसमें से हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वीडियो नंबर 18 वीडियोस आज हम कंप्लीट कर लेंगे क्वांट की। चलिए स्टार्ट करते हैं सर्ड्स एंड इंडिसेस के ऊपर। मैं ये तो नहीं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट वंस इन अ वाइल इससे क्वेश्चन आ जाता है और सिंपल से फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट होता है, तो आप इसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इंडिसेस क्या होते हैं? बेस ए रेज टू पावर बी, मतलब बेस ए रेज टू पावर बी, इसको ऐसे लिखा जाता है, वो किसके बराबर होता है? उसका मतलब ये होता है कि हमें ए को मल्टीप्लाई करते जाना है कितनी बार, बी टाइम्स। इसका मतलब ए टू द पावर बी का मतलब ये होता है। अब एग्जाम्पल 2 to the power 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों इक्वल चीज़ें हैं। तो 2 to the power 1 का मतलब 2 को एक बार मल्टीप्लाई करना, 2 to the power 2 को मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये हमारा मतलब होता है इंडिसेस का। अब चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे एंड जानते हैं कि सर्ड क्या होता है। तो सर्ड्स होते हैं जिस नंबर को ऐसे रूट के फॉर्म में लिखा जा सके, वेयर ए एंड बी आर नॉट परफेक्ट स्क्वेयर्स एंड नेचुरल नंबर्स। तो जो नंबर्स आपके इस तरीके के फॉर्म में होते हैं ना, एक्स रूट वाई या सिर्फ रूट एक्स, इनको हम सर्ड्स बोलते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज कर लेते हैं सर्ड्स एंड इंडिसेस की, कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है प्रॉपर्टीज के उनको जानते हैं सर्ड्स एंड इंडिसेस में। तो देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी डिविजन की प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है? अगर a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n हो, तो इस केस में क्या हो जाएगा? a टू द पावर m माइनस n, मतलब बेस कॉमन है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। दूसरा, अगर पावर सेम है, तो मतलब एक नंबर है a टू द पावर n और डिवाइडेड बाय b टू द पावर n, तो उस केस में आप नंबर को कॉमन ले लीजिए, पावर को बाहर ऊपर ले लीजिए। ये हमारी फर्स्ट हो गई। अब चलते हैं मल्टीप्लीकेशन में। तो मल्टीप्लीकेशन में सबसे पहले क्या होगा, जो यहाँ पर डिविजन में था उसमें हमने सब्ट्रैक्ट किया था, तो मल्टीप्लीकेशन के केस में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन के केस में हम उनको ऐड कर देंगे, a टू द पावर m प्लस n कर देंगे। और ऐसे ही मान लीजिए दो नंबर है a n और b n, तो उसको हम लिख सकते हैं a डॉट b इंटू n। अब आते हैं पावर्स की कुछ में। अब मान लीजिए एक नंबर है a, उसकी एक पावर n है और फिर उसकी पावर m है, तो इस केस में हम लिख सकते हैं कॉमन बेस a और पावर n और m को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका अपोजिट ए एन हो और एम हो, तो वो भी ए एन एम हो जाएगा। अब अगर बाहर रूट है तो वो नीचे यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि 1/2 होता है, ठीक है। और देखिए ए रूट एन, इसका क्या मतलब है? पावर बाहर आती है ना, अब रूट की पावर का क्या मतलब होता है? 1/, और ऐसे ही ए अगर माइनस एन है तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? a टू द पावर माइनस n है, तो उसको लिख सकते हैं 1/a^2 एंड रेसिप्रोकल करके उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। तो बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सर्ड nx कैन बी सिंप्लीफाइड इफ द फैक्टर ऑफ x इज अ परफेक्ट स्क्वेयर, ठीक है। एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो किसी की भी पावर 0 होगी, कुछ भी नंबर हो आपका, कितना ही बड़ा नंबर हो, पावर आप जीरो कर देंगे ना तो वो वन आ जाता है। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी देखा था, तो एक्स रूट ए प्लस वाई रूट बी का कॉन्जुगेट क्या होगा? एक्स रूट ए माइनस वाई रूट बी। इफ डिनोमिनेटर इन फ्रैक्शन एज अ सर्ड, देन रेशनलाइज द डिनोमिनेटर बाय मल्टीप्लाइंग द कॉन्जुगेट। मतलब इसमें क्या कह रहे हैं, कोई एक फ्रैक्शन है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको पहले कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? सॉरी, रूट टू माइनस रूट थ्री, यहां फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, तो इस वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं।
डिफरेंट एक्सप्रेशंस कैन बी सिंप्लीफाइड बाय रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर एंड एलिमिनेटिंग दिस सर्ड. एवरी सर्ड इज इरेशनल नंबर. सर्ड इरेशनल नहीं होता है क्योंकि उसमें ये वाला कॉम्पोनेंट रूट वाला कॉम्पोनेंट होता है. ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. अब इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे एंड देखेंगे सर्ड्स एंड इंडिसेस को कैसे किया जाता है. तो पहले मैं कह रहा है mn एंड इंटीजर्स हैं रूट टू टू द पावर 19 इंटू थ्री टू द पावर 4 इंटू फोर टू द पावर 2. ये इस तरीके से इसने दिया है. तो सबसे पहले रूट टू द पावर 19 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं रूट टू इंटू टू द पावर 19 है ना, तो इसको हम 2 टू द पावर 19 अपॉन 2 लिख सकते हैं. जैसे अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी इंटू थ्री टू द पावर 4 इंटू 4 टू द पावर 2 इंटू 9 टू द पावर m इंटू 8 टू द पावर n इज इक्वल टू 3 टू द पावर n इंटू 16 टू द पावर m इंटू रूट 64 का फोर्थ रूट. अब इसको हमें सॉल्व करना है. तो देखिए इसमें कहां कहां प्रॉपर्टीज लग सकती हैं. सबसे पहले तो ये भी 2 है. अब ये जो 4 स्क्वायर है इसको भी हम 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 2 2 टू द पावर 2 और इसको ऐसे 2 लिख सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4. अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एम और एन मल्टीप्लाई हो सकते हैं. ऐसे ये जो 8 है जहां जहां पॉसिबल हो ना उनको सेम बेसिस में कीजिए. 8 टू द पावर n को क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 n करेक्ट. अब ये 3 टू द पावर 4 है. ऐसे 9 टू द पावर m को हम क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2m. 3 टू द पावर n है. यहाँ पे 16 टू द पावर m है. 16 टू द पावर m क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4m. और ऐसे रूट 64 को 4 रूट 64 को क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6 अपॉन 4 करेक्ट. तो फ्रेंड्स अब इसको हम जब आगे सॉल्व करेंगे दोनों साइड्स में अब 2 टू द पावर और 3 टू द पावर को कंपेयर करेंगे तो उससे हमें इक्वेशन मिलेगी n इज इक्वल टू 4 प्लस 2m एक इक्वेशन और 19 बाय 2 प्लस 4 प्लस 3n इज इक्वल टू 4m प्लस 64. ये दो इक्वेशंस मिलेंगी. इन दो इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कर सीधे सॉल्यूशन क्या आता है. सॉल्यूशन आएगा ये इक्वेशन जिससे m आ जाएगा माइनस 12. सिंपल मैथ्स बेस्ड स्टेप से आप उनको सॉल्व कर लीजिए. एक बार आपने इन सर्ड्स इंडिस को पावर्स में सेम कंपेयर कर लिया तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी विच इज माइनस 12. चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. 17 टू द पावर x इज इक्वल टू 4913. अब देखिए 4913 को अगर हम चेक करेंगे ना तो 4913 बेसिकली 17 इंटू 17 इंटू 17 है. तो मतलब 17 का क्यूब है. तो अब 17 टू द पावर x इज इक्वल टू 17 टू द पावर 3. बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट्स को हम इक्वल लिख सकते हैं. तो इससे हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 3. तो इस क्वेश्चन में बस अब बेसिकली आपको ये करेक्ट करना है. x 3 निकाल लिया. अब 22x माइनस 1 हमें निकालना है. तो 22 इंटू 3 माइनस 1 66 माइनस 1 ये होता है 65. 65 हमारी किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो करेक्ट ऑप्शन हो गई ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज. चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे. 4 टू द पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 64. ओके 64 क्या होता है 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64. तो ये बेसिकली है 4 टू द पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 क्यूब. तो सेम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 फर्स्ट इक्वेशन. अब चलते हैं सेकेंड. 4 टू द पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1024. अब यही हम आगे चलेंगे 64 को आप देखिए 64 इंटू 4 और फिर इंटू 4 करेंगे मतलब पांच बार अगर कर देंगे ना तो 1024 आता है. तो बेसिकली इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 4 टू द पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 टू द पावर 5. सो x प्लस वाई की यहाँ से वैल्यू क्या आ गई x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 5. अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 3
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, करेक्ट। सॉल्व कीजिए, वाई वाई कैंसिल, टू एक्स इज इक्वल टू एट, एक्स इज इक्वल टू फोर। सो एक्स इज इक्वल टू फोर, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फोर पे। इफ टू टू द पावर एक्स इंटू एट वन बाय फोर इज इक्वल टू टू वन बाय फोर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसमें बेसिस सेम नहीं है। अब देखिए, हमें लॉ ऑफ इंडिसेस से पता है, लॉ ऑफ इंडिसेस से हमें क्या पता है, एक्स एम इंटू एन इज इक्वल टू एक्स एम एन। सो ये क्या हो गया, टू एक्स इंटू टू इंटू थ्री बाय फोर इज इक्वल टू टू इंटू वन बाय फोर, टू टू द पावर वन बाय फोर। ये पावर्स हैं बेसिकली, एट टू द पावर वन बाय फोर, उसको टू टू द पावर थ्री बाय फोर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू टू द पावर एक्स प्लस थ्री बाय फोर इज इक्वल टू 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 द पावर वन बाय फोर, एक्स प्लस थ्री बाय फोर इज इक्वल टू वन बाय फोर। इसको सॉल्व करेंगे तो x हो जाएगा 1 बाय फोर माइनस थ्री बाय फोर, ये हो जाएगा माइनस वन बाय टू। सो माइनस वन बाय टू, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन। इफ a एंड b आर होल नंबर्स सच दैट a b इज इक्वल टू 121, फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस वन टू द पावर b प्लस वन। सो ए बी 121 है, तो ए बी 121 होने का कैसे क्या मतलब है, अब a टू द पावर b 121 है, करेक्ट, a टू द पावर b है, ये a टू द पावर b 121। अब किस नंबर की पावर b करें तो 121 आता है, तो 11 की पावर हम 2 करते हैं, 11 स्क्वायर करते हैं तो 121 आता है। रीड इट एज a टू द पावर b, सो 121। फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस वन बी प्लस वन। सो a यहां से आ गया 11, b यहां से आ गया 2। अब हमें क्या निकालना है, a माइनस वन टू द पावर b प्लस वन, तो वो क्या हो गया, 11 माइनस वन टू द पावर b प्लस वन। 11 माइनस वन इज इक्वल टू 10, 10 स्क्वायर प्लस वन, 10 का स्क्वायर 100, 100 प्लस वन 101। सो ऑप्शन डी 101 इज द करेक्ट आंसर। सो देखा आपने फ्रेंड्स, सर्च एंड इंडिसेस में कितने सिंपल आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको यूज़ करके आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वांट का एक टॉपिक करेंगे, विच इज़ क्वांट बेस्ड रीजनिंग। आपको आज की वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन हो, सर्च इंडिसेस में कोई भी डाउट्स हो, तो आप हमारी मेल आईडी meeru.study@gmail.com पे हमें बता सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड डे।